दोस्तों, नॉर्वे देश का ऑफिशियल नेम है किंगडम ऑफ नॉर्वे। ये देश उत्तरी यूरोप में स्थित एक नॉर्डिक कंट्री है। आप लोगों की जानकारी के लिए हमें बताना चाहते हैं कि उत्तरी यूरोप और उत्तर अटलांटिक के बीच में स्थित सभी कंट्रीज को ही नॉर्डिक कंट्री कहा जाता है। डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, ग्रीनलैंड और स्वीडन, इन सभी देशों को नॉर्डिक कंट्री कहा जाता है। नॉर्वे देश का पश्चिमी और उत्तरी भाग स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला के अंतर्गत पड़ता है। इसके साथ ही सब अंटार्कटिक रीजन में स्थित बोवेत आइलैंड भी नॉर्वे का ही एक डिपेंडेंट रीजन है। दोस्तों, नॉर्वे का कुल क्षेत्रफल है करीब 375,207 स्क्वायर किलोमीटर और यहाँ की कुल आबादी है करीब 54,32,580 लोग। इसका मतलब हर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी करीब 14 लोगों के आसपास है। नॉर्वे में ऑफिशियल लैंग्वेज नॉर्वेजियन और सामी, इन दोनों लैंग्वेज को यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पे और कई सारी भाषाओं के प्रभाव को नजरअंदाज न करते हुए उन्हें भी कई स्पेशल भाषाओं का दर्जा दिया गया है, जैसे कि आंचलिक भाषा के तौर पर केवेन और माइनॉरिटी लैंग्वेज के तौर पर रोमानी लैंग्वेज को यहाँ पर स्पेशल खिताब दिए गए हैं। दोस्तों, जिस देश में इतने प्रकार की भाषाएं मौजूद है वहां पर कई सारे एथनिक ग्रुप्स भी देखने को मिलते हैं, ये जाहिर सी बात है। और नॉर्वे में आपको ये बात देखने को मिलेगी, यहाँ के कुल आबादी का करीब 86% लोग ही नॉर्वेजियन एथनिक ग्रुप का हिस्सा हैं और करीब 14% लोग नॉन नॉर्वेजियन ग्रुप का हिस्सा हैं। लेकिन इन्हें छोड़कर यहाँ के आंचलिक ग्रुप का खिताब सामी एथनिक ग्रुप के लोगों को दिया गया है और इनके सिवा जेविस, ट्रेवलर, फॉरेस्ट, फिन, रोमानी और केवन ग्रुप के लोगों को माइनॉरिटी एथनिक ग्रुप का खिताब दिया गया है। और यहाँ की राजधानी और सबसे बड़े शहर का नाम है ओस्लो और नॉर्वेजियन क्रोन इस देश की राष्ट्र मुद्रा का नाम है। और दोस्तों, अगर आप कभी नॉर्वे में घूमने का प्लान बना लेते हैं तो नॉर्वेजियन क्रोन अच्छे से जरूर कलेक्ट कर लेना। तो दोस्तों, अब तक मैंने नॉर्वे को लेकर सभी इंपॉर्टेंट बातें आपसे शेयर कर दी। आशा करते हैं नॉर्वे को लेकर आप सभी ने काफी जानकारी हासिल कर ली है। लेकिन अब नॉर्वे को और अच्छे से समझने के लिए, यहाँ की संस्कृति को समझने के लिए इस देश के बारे में कुछ और मजेदार और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। उसके पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास की बेल आइकन को प्रेस करना और सेलेक्ट कर देना ऑल का ऑप्शन। दोस्तों, नॉर्वे की नेशनल डिश का नाम है फरीकल। ये किस्म का स्टू टाइप का खाना है। इस खाने को बनाने का प्रोसेस काफी अलग होता है। इस खाने को सिर्फ मटन और कैबेज से बनाया जाता है। पहले एक बड़े से कढ़ाई में मटन का एक लेयर डालकर उसे अच्छे से बॉईल किया जाता है। उसके बाद उस कढ़ाई में कैबेज का एक लेयर डालकर उसे भी बॉईल कर लिया जाता है। जब मटन और कैबेज दोनों ही अच्छे से बॉईल हो जाते हैं तब इस खाने को अच्छे से मसाला डालकर सर्व किया जाता है। नॉर्वे नाम का एक ऐतिहासिक नाम है। इस देश के नामकरण के पीछे भी इतिहास की बड़ी भूमिका है। दरअसल प्राचीन काल में नॉर्वे पर नॉर्स उपजाति के लोग समुद्री यात्रा पर आते थे और वो लोग अपने सफर के दौरान नॉर्वे का उल्लेख ज्यादातर द वे नॉर्थ के नाम से किया करते थे और धीरे धीरे द वे नॉर्थ नाम से इस देश का नाम नॉर्वे बन गया। दोस्तों, स्पोर्ट्स के मामले में भी नॉर्वे एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट देश है, क्योंकि स्पोर्ट्स में कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स नॉर्वे के नाम पर दर्ज है जो दुनिया के बड़े बड़े देशों के पास भी नहीं है। जैसे कि क्या आपको पता है, नॉर्वे की नेशनल फुटबॉल टीम को ब्राजील के जैसे फुटबॉल टीम ने कभी भी हरा नहीं पाई है। आज तक फुटबॉल के मैदान में नॉर्वे और ब्राजील का आमना सामना सिर्फ 4 बार हुआ। इनमें से 2 मैच नॉर्वे ने जीते, 2 बार मैच ड्रॉ हुआ। इसके सिवा विंटर स्पोर्ट्स में भी नॉर्वे का प्रदर्शन काफी अच्छा रहता है। आपको यहाँ बताना चाहेंगे कि 1994 में विंटर ओलंपिक को होस्ट नॉर्वे ने किया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि नॉर्वे के तत्कालीन राजा किंग ओलाव 1926 के पेरिस ओलंपिक में एक गोल्ड मेडल भी जीते थे। इसके बाद इन्होंने किंग ओलाव के नाम पर नॉर्वे का शासन भार अपने कंधों पर लिया था। जब बात नॉर्वे के स्पोर्ट्स को लेकर हो रही है तो आइए जान लेते हैं कि नॉर्वे के कुछ मशहूर स्पोर्ट्स के बारे में। यहाँ के स्पोर्ट्स के बारे में बात की जाए तो यहाँ के इंडोर और आउटडोर दोनों तरह के स्पोर्ट्स के बारे में बताना पड़ेगा। यहाँ का सबसे मशहूर आउटडोर स्पोर्ट्स है क्रॉस कंट्री स्कीइंग और बियाथलॉन, और यहाँ का सबसे मशहूर इंडोर स्पोर्ट्स का नाम आइस हॉकी। दोस्तों, संस्कृति के विषय में नॉर्वे एक विचित्र देश है। यहाँ पर आपको ट्रेडिशनल म्यूजिक और ट्रेडिशनल डांस देखने को मिलेंगे। और तो और, यहाँ के ट्रेडिशनल म्यूजिक को आप बहुत आसानी से पहचान भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ के ज्यादातर म्यूजिक हार्डनेंगर फिडल नाम के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से बजाए जाते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट दिखने में एक वायलिन की तरह होता है, लेकिन इसमें 8 स्ट्रिंग होते हैं। इनमें से 4 स्ट्रिंग को उंगलियों के सहारे बजाया जाता है और बाकी 4 स्ट्रिंग वाइब्रेशन से ही बजने लगते हैं।
दोस्तों, नॉर्वे के नागरिकों के लिए देश का स्थान सबसे ऊपर रहता है और इन लोगों की देशभक्ति का तो मिसाल दी जाती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि नॉर्वे के हर एक नागरिक को मिलिट्री सर्विस ज्वाइन करना अनिवार्य है। यहाँ पर यहाँ के युवाओं को करीब 19 महीने स्ट्रिक्ट मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है और 19 महीनों की ट्रेनिंग में यहाँ के युवा जैसे एक तरफ से फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग बन जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से यहाँ के युवाओं में देशभक्ति की मनोभावना का विकास होता है। इसी के साथ हम आपको ये बात भी बताना चाहेंगे कि नॉर्वे को छोड़कर यूरोप में कई और देश हैं जहाँ पर ऐसे मैंडेटरी मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है। दोस्तों, ये बात तो हमने बचपन में जान ली थी कि नॉर्वे को द लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहते हैं, लेकिन अगर हमसे पूछे कि नॉर्वे को क्यों द लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहते हैं तो क्या आप इसका जवाब दे पाएंगे? दोस्तों, आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि इन सभी सवालों का जवाब हम आपको देने वाले हैं। दरअसल नॉर्वे में प्रकृति का एक अद्भुत खेल खेला जाता है। नॉर्वे के उत्तरी भाग के कुछ हिस्सों में गर्मियों के मौसम में कुछ हफ्तों के लिए सूरज पूरी तरह से कभी डूबता नहीं है और सर्दियों के मौसम में इन सभी भागों पर कुछ हफ्तों के लिए सूरज पूरी तरह से उगता भी नहीं है। प्रकृति का ऐसा अनोखा खेल सिर्फ आपको नॉर्वे में ही देखने को मिलेगा, इसलिए नॉर्वे को द लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहते हैं। दोस्तों, ये बात तो आपको पहले ही बता चुका हूँ कि नॉर्वे का ऑफिशियल लैंग्वेज नॉर्वेजियन लैंग्वेज है, लेकिन अब हम इस नॉर्वेजियन लैंग्वेज के बारे में एक और मजेदार फैक्ट बताने जा रहे हैं। आपको शायद पता नहीं है, नॉर्वेजियन लैंग्वेज को हम दो भागों में भाग कर सकते हैं, जिसमें एक भाग का नाम है बोकमल और दूसरे का नाम है नैनोरस्क। बोकमल नॉर्वेजियन लैंग्वेज का लिखित भाषा है और नैनोरस्क नॉर्वेजियन लैंग्वेज का आम भाषा है जिसमें नॉर्वे के लोग बातचीत करते हैं। दोस्तों, अगर आप कभी भी नॉर्वे में घूमने के लिए जाएं तो आपको अपने बिहेवियर को लेकर बहुत ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा क्योंकि नॉर्वे एक काफी शिक्षित देश होने के साथ साथ काफी उच्चतम विचारधारा वाला देश है और इस देश में बचपन से ही पढ़ाई लिखाई के साथ साथ यहाँ के स्टूडेंट्स को अच्छे विचारों की शिक्षा दी जाती है, इसलिए यहाँ के लोग बचपन से एक अच्छे नागरिक होने के दावेदार होते हैं। यहाँ पर अगर आप कभी भी किसी को किसी प्रोग्राम में इन्वाइट करते हैं तो वो आपको कभी ना नहीं कहेंगे। दोस्तों, नॉर्वे दुनिया के उन तीन देशों में से एक है जहाँ पर कमर्शियल पर्पस के लिए आप व्हेल का शिकार कर सकते हैं। इस लिस्ट के बाकी दो देशों का नाम है जापान और आइसलैंड। नॉर्वे में व्हेल के मांस को खाया भी जाता है। नॉर्वे के नागरिक रोआल्ड अमुंडसेन दुनिया के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों जगह की यात्रा की है। रोआल्ड पेशे से एक एक्सप्लोरर है जिन्होंने 1911 में नॉर्थ पोल की यात्रा की और 1926 में उन्होंने साउथ पोल की यात्रा भी कर ली। दुनिया में अब तक किसी भी व्यक्ति ने एक साथ इन दोनों पोल्स की यात्रा नहीं की है। दोस्तों, नॉर्दर्न लाइट या फिर अरोरा बोरियलिस को देखने का एक सुनहरा मौका आपको सिर्फ नॉर्वे में ही मिल सकता है। खुले आसमान में ऐसे प्राकृतिक लाइटिंग को देखना जैसे काफी आकर्षक बात है, ठीक वैसे ही इसके लिए किस्मत वाला होना जरूरी है क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि आप नॉर्वे में जाकर ही नॉर्दर्न लाइट्स को देख पाएंगे। असल में नॉर्दर्न लाइट्स सिर्फ नॉर्वे के उत्तरी भागों पर ही देखने को मिलती है, इसलिए इसका मजा उठाने के लिए आपको नॉर्वे के उत्तरी भागों पर ही जाना पड़ेगा। अगर आप रात के 11 बजे से लेकर 2 बजे तक नॉर्वे के उत्तरी भाग पर गए तो आपको ये नॉर्दर्न लाइट देखने का मौका दे सकती है। दोस्तों, नॉर्वे में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम लॉन्ग ईयर बेन। इस गांव के तापमान इतना ज्यादा लो है कि यहां पर अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी बॉडी ठंड से डिकम्पोज नहीं हो पाती, इसलिए यहाँ पर किसी मरने वाले व्यक्ति को हमेशा ही पास के किसी गाँव में ट्रांसफर कर दिया जाता है क्योंकि अगर ऐसा ना किया जाए तो ये गांव एक दिन पूरी तरह से डेड बॉडी से भर उठेगा। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा रोड टनल आपको नॉर्वे में देखने को मिलेगा। इस रोड टनल की लंबाई करीब 25 किलोमीटर है। इस रोड टनल के अंदर का नजारा इतना खूबसूरत है कि आप इसे देखकर पागल हो जाओगे। दोस्तों, वैसे तो ऐसा माना जाता है कि छोटा देश हमेशा धनी देश होता है और नॉर्वे भी ठीक ऐसा ही देश है। यहाँ की जनसंख्या ऐसे ही कम है लेकिन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफी हाई है। नॉर्वे में आपको ज्यादातर हिस्सा सिर्फ पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा हुआ मिलेगा, इसलिए इस देश की प्राकृतिक सुंदरता भी काफी ज्यादा है। इसके सिवा नॉर्वे में आपको करीब 50 से ज्यादा आइलैंड देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। नॉर्वे को लेकर अगर आपको कुछ कहना है तो कॉमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और अन्य लोगों के साथ शेयर कर देना। साथ ही यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में दिए गए घंटी आइकन पर क्लिक करें। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। खुश रहिए। धन्यवाद।